नमस्कार, मी आशा. आपण पाहता द डिस्कवरी न्यूज. द डिस्कवरी न्यूजच्या बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी जी की पावन जयंती के उपलक्ष्य पे पत्रकार एकता फाउंडेशन की ओर से कल्याण पश्चिम के स्वामीनारायण हॉल में एक समारोह का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित मान्यवरों को महात्मा गांधी के विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन रखा गया. साथ ही साथ मौके पर पत्रकार एकता फाउंडेशन की कल्याण जिला की कार्यकारिणी की घोषणा भी की गयी. कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा सहित दीप प्रज्वलन करके किया गया. इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक पारसनाथ तिवारी, कल्याण के शिक्षण रिपीट महर्षि डॉक्टर दौलत सिंह पालीवाल, मनपा शिक्षण मंडल के भूतपूर्व सभापति, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव प्रकाश मुथा, कल्याण पश्चिम के भूतपूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र पवार, कल्याण पूर्व भाजपा के सचिव पांडुरंग भोसले, भूमिपुत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रकांत मोटे, दैनिक एक और जंग के कार्यकारी संपादक मुश्ताक अली, अड़ौली गाँव के भूतपूर्व उपसरपंच राहुल दादा पाटिल, आई एकविरा महिला मंडल की अध्यक्ष सुनीताई संदीप क्षीरसागर इत्यादि उपस्थित थे. पत्रकार एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तोशेश शुक्ला ने प्रस्तावित भाषण किया और महात्मा गांधी जी के विचारों पर रोशनी डाली. उपस्थित मान्यवरों ने भी गांधी जी के विचारों पर रोशनी डाली. इस मौके पर पत्रकार एकता की कार्यकारिणी की घोषणा पालीवाल सर, मुथा सर, नरेंद्र पवार के हाथों सर्टिफिकेट देकर जिला अध्यक्ष कलीम शेख, कार्याध्यक्ष गोपाल शर्मा, जिला सचिव इब्राहिम इनामदार, जिला उपाध्यक्ष सुरलकर, आरटीओ की उपस्थित मान्यवर के शुभ कर्म कमलों से प्रमाण पत्र दिया गया. इस कार्यक्रम की सफल बनाने में पत्रकार एकता फाउंडेशन के पदाधिकारी शाय मधर पांडे, पत्रकार फाउंडेशन के अध्यक्ष महादेव पंजाबी, सल्लादकर बालकृष्ण मोरे, कानूनी सलाहगर एडवोकेट रविन्द्र केने, पत्रकार रोशन उबाले, नारायण सूर्यवंशी, सिद्धार्थ वाघमारे, पत्रकार ऋषिकेश चौधरी, योगेश गोड़े, विजय कोकरे, डॉक्टर मित्र के संपादक एकनाथ जाधव, फारूक तब्बोली, स्वदेश मालवीय भिवंडी शहर के अध्यक्ष फहीम अंसारी, उनकी जिला कार्यकारिणी आदि का कल्याण पत्रकार एकता फाउंडेशन की ओर से स्वागत सम्मान किया गया. कार्यक्रम सफल और कामयाब रहा. अंत में पत्रकार एकता फाउंडेशन कार्याध्यक्ष गोपाल शर्मा का जन्मदिन एक केक काटकर मनाया गया. सभी ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी. पत्रकार एकता फाउंडेशन कल्याण जिल्ह्याचे अध्यक्ष माजी मित्र कलीम शेख आणि त्यांचे सर्व सहकारी, त्यांनी आज एक सर्व पत्रकारांना एकत्र करून एक फाउंडेशन तयार केलं आणि त्याची कार्यकारिणी आज या ठिकाणी जाहीर केलेली आहे. मनापासून सर्व पत्रकार बंधूंना खूप खूप शुभेच्छा देतो. पत्रकारांचं योगदान हे खूप मोठं आहे आणि खास करून या करोना काळामध्ये सर्व जनतेने, सर्व जगाने या पत्रकारांचं कर्तृत्व पाहिलेलं आहे. अशा सर्व पत्रकारांची एक चांगली टीम बांधण्याचं काम कलीमबाई शेख यांनी केलेलं आहे. त्यांना मनापासून या कामाकरता शुभेच्छा देतो. पत्रकार एकता फाउंडेशन कल्याण के नवनियुक्त पत्रकार एकता फाउंडेशन कल्याण संघ के अध्यक्ष नवनियुक्त कलीमबाई शेख, इनको मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ. साथ में आज इन्होंने अपनी एक नई कार्यकारिणी और टीम घोषित की, उनको भी हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ. गोपाल शर्मा जी का आज बर्थडे है, उनको भी हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ. पत्रकारों की भूमिका समाज के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रहती है और राष्ट्र निर्माण के लिए जितनी जवाबदारी और लोगों की होती है उससे कहीं ज़्यादा पत्रकारों की होती है. और मैं उम्मीद इस टीम से करता हूं कि हमारे कल्याण के विकास के लिए, थाना जिला के विकास के लिए और खासकर कल्याण नोमली महानगर पालिका के विकास के लिए और समाज की समस्याओं को लेके, जनता की समस्याओं को लेके पत्रकार एक अच्छा काम करेंगे. और मैं नवनियुक्त टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना. होता डिस्कवरी न्यूज तुम्हारा आमचे संपर्क असल्यास स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकाची संपर्क साधू शकता. 9388420420. वेळ झाली निरोप घेण्याची. उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळेस. तोपर्यंत धन्यवाद.